हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज होम में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग पर एनआईए के द्वारा दोनों गैंग के ऊपर लिए गए एक्शन को लेकर। बताते हैं आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, गैंगस्टर टेरर कनेक्शन केस की जाँच कर रही राष्ट्रीय जाँच एजेंसी यानी एनआईए एक्शन में है। एनआईए ने अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग बड़ी चोट की है। एनआईए ने मंगलवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग से जुड़े गैंगस्टर्स की संपत्ति अटैच कर दी है। एनआईए ने संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा तक की है। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग से जुड़े गैंगस्टर्स की दिल्ली के दरियापुर, हरियाणा के यमुनानगर, सोनीपत और सिरसा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग से जुड़े गैंगस्टर्स की संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। गैंगस्टर्स के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की ओर से ये कार्रवाई यूएपीए एक्ट के तहत की गई थी। दोस्तों, दिल्ली के दरियापुर में कुख्यात गैंगस्टर सोनू दरियारपुर की संपत्ति अटैच कर दी गई है। बताया जाता है कि सोनू काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। इसी तरह एनआईए ने हरियाणा के यमुनानगर में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के करीबी गैंगस्टर काला राणा की प्रॉपर्टी भी केंद्रीय जांच एजेंसी ने अटैच कर दी है। काला राणा को एनआईए ने हाल ही में थाईलैंड से डिपोर्ट करवाकर गिरफ्तार किया था। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो एनआईए के द्वारा लिए गए एक्शन को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।